हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स। बेटा जैसे कि आपका मैंने इंडियन इकोनॉमी की बुक में से बेटा चैप्टर नंबर 1 जो है आपका स्टार्ट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय हमने भारत के इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में पढ़ना था, है ना, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक कम्प्लीट करवा दिया था कि इंडियन इकोनॉमी के किन किन सेक्टर्स को जो है प्रताड़ित यानी कि शोषित किया गया। अब हम सेकंड जो है आपका पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे, इंडियन इकोनॉमी की विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं, ठीक है, भारत की आज़ादी के टाइम इंडियन इकोनॉमी की विशेषताएं क्या थी। तो देखो बेटा, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के टाइम इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी के ये करेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्टैग्नेट का मीनिंग होता है खड़ी हुई, ठीक है, जो बिल्कुल खड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमी, खड़ी हुई इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें ना बिल्कुल ग्रोथ रेट जो है बहुत कम हो, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के टाइम इंडियन इकोनॉमी वॉज अ कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से खड़ चुकी थी, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। और देखो आपको ना ये शॉर्ट नोट है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज अ वन विच शोज लिटल, देखो लिटल यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम और नो ग्रोथ इन द इनकम, यानी कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है इज द वन जिसमें इनकम की बात करिए, एक ना आपने ये वर्ड ध्यान रखना है इनकम, यानी कि इनकम में या तो ग्रोथ होती ही नहीं या फिर बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अगर देखो बिटवीन 1860 to 1945, अगर मैं 1860 to 1945 के बीच की बात करूं तो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वॉज एज लो एज 0.5% पर एनम। अब देखो उसने बोला कि 1860 से लेकर 1945 के बीच का जो टाइम पीरियड है, तो जब पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ होनी थी ना वो सिर्फ 0.5% थी, और अब देखो 1925 से 1950 के पीरियड के बीच में तो ये बिल्कुल ही 0.1% से। अब देखो ये 1860 से 1945 कितना बड़ा टाइम पीरियड है और इतना कम जो है ग्रोथ हमें को देखने को मिल रहा है, और लास्ट वाले 25 जो ईयर्स थे 1925 टू 1950 उसमें तो ग्रोथ रेट बिल्कुल ही कम हो गया, 0.5 ही रह गया। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, जिसमें हमें इनकम में, किसमें, इनकम में या तो ग्रोथ देखने को मिलती ही नहीं या फिर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है, आपने बस इस पॉइंट को यहाँ तक करना है। और आगे है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी यानी कि पिछड़ी हुई इकोनॉमी, ठीक है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एक पिछड़ी हुई यानी कि पिछले वर्ग की इकोनॉमी थी, जिसमें ना लोगों की थिंकिंग अच्छी नहीं होती, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लोग जो है वहमों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो है ना भ्रम जो होते हैं, क्या कह सकते हैं हम, वहम और भ्रम होते हैं ना उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारी इंडिया की इकोनॉमी बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के टाइम। बैकवर्ड इकोनॉमी इज अ वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, ये देखो इसमें पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वहाँ पे हमने अकेला इनकम वर्ड यूज़ करा, ठीक है, अकेला इनकम यूज़ करा, ये इनकम किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने पर कैपिटा इनकम वर्ड यूज़ करा, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो बैकवर्ड इकोनॉमी ये भी एक शॉर्ट नोट बन गया, ठीक है, कि बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो आगे देखो 1947 से 48 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया में वो सिर्फ 230 रुपीज़ थी। आजकल के किसी बच्चे को ना 230 रुपीज़ दे दो वो बोलेगा ले भाई इससे क्या बनेगा, इससे मेरा कुछ नहीं बनने वाला। तो आप खुद ही सोचो भाई, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात है, 230 कोई ज़्यादा बड़ी बात है, इतने तो पैसे बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। आजकल के किसी बच्चे को बोलेगा, मम्मी को बोलेगा, मम्मी अरे मेरी 1000 तो कम की जीन्स ही नहीं आएगी, मेरी 500 से कम की तो शर्ट ही नहीं आएगी। गर्ल्स को बोल दो, मम्मी 1000 से कम तो मेरा सूट ही नहीं आएगा, है ना। तो 230 से क्या बनता भाई, 230 से पूरी फैमिली का पेट भरना होता है, उनके सारे नीड्स पूरी करनी होती है, तो वो तो कुछ भी नहीं था। तो बैकवर्ड इकोनॉमी तो हमारी थी ना, सोचो चीज़ ज़रा चीज़ों को, है ना।
तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, और जो बहुत से लोग थे बहुत गरीब हुआ करते थे, उनके पास खाना नहीं था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, और इवन कि लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे, है ना। ये सारी चीज़ों जो थी चारों तरफ फैली हुई थी। ओके, तो आगे बेटा आपका एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर की तरफ से तो हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा पीछे थी, ये मैंने आपको बताया। हमारी कंट्री के 72% लोग जो थे वो खेती किया करते थे, ठीक है। मान लो 72% बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लो किसी कंट्री की आबादी 1 करोड़ है, कितनी है आबादी 1 करोड़ है, तो 72% पता कितना हुआ है 8 करोड़ का, 72 लाख पीपल हुए, यानी कि 72 लाख पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आप खुद सोच लो, 72 लाख पीपल थोड़े नहीं होते 1 करोड़ में से, यानी कि एक कंट्री के 72% पीपल बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी जो है काउंटिंग हो गई। तो देखो इतने ज़्यादा लोग खेती कर रहे हैं और हमें इनकम सिर्फ 50% मिल रही है। 72% लोग तो खेती में लगे हुए हैं, इनकम हमें क्या मिल रही है 50%। आप खुद सोच लो क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, कुछ भी नहीं मिल रहा। 72% लोग खेती कर रहे हैं और हमें मिल रहा है सिर्फ 50%, ठीक है। क्यों पता है क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते ना उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो ना तो अच्छे बीज खरीद पाते थे, ना ही उनके पास खाद लेने के लिए पैसे होते थे, ना ही उनके पास सिंचाई के अच्छे साधन हुआ करते थे। तो उनको ना एक ज़मीन से टुकड़े से जितनी फसल मिल सकती थी उनको उससे कहीं कम मिलती थी फसल, ठीक है। तो आगे देखो है आपका प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग यही हो गया ना कि एक ज़मीन का टुकड़ा एक्चुअल में अच्छे बीज यूज़ करके या अच्छी खाद यूज़ करके उनको जितनी अच्छी फसल दे सकता था उतनी अच्छी दे नहीं रहा था, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कम थी, उनको इतना ज़्यादा निकल नहीं रहा था एक ज़मीन के टुकड़े से, ठीक है। 10 एक हेक्टेयर ज़मीन की अगर हम बात करें, 1 हेक्टेयर ज़मीन कम नहीं होती, 1 हेक्टेयर ज़मीन में अगर बात करें तो जो कणक है ना, कणक वो सिर्फ 660 किलोग्राम्स निकलती थी। आज का मान लो ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ये क्या है 1 हेक्टेयर ज़मीन है, पुराने ज़माने में इसमें 660 किलोग्राम्स वीट पैदा हुआ करती थी। आज के ज़माने में पता कितनी वीट पैदा होती है, 3160 किलोग्राम से कहीं ज़्यादा ऊपर, 3160 किलोग्राम से कहीं ज़्यादा ऊपर। फ़र्क देख लो, पहले अच्छे बीज नहीं थे, खादें नहीं थी, अब हमारे पास अच्छे बीज हैं, हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास इरीगेशन सिंचाई के अच्छे साधन हैं, तो हमारी देखो प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई उसी ज़मीन के टुकड़े से, मेरी बात समझ रहे हो, तो ठीक है। तो आगे देखो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ फॉर सबसिस्टेंस। आगे जो किसान खेती किया करते थे ना वो उतनी ही काफ़ी थी। सबसिस्टेंस का मीनिंग है जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए, सिर्फ गुजारा करने के लिए। यानी कि आगे जो खेती हुआ करती थी वो सिर्फ घर के गुजारे के लिए हुआ करती थी, उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। अगर बचता भी था तो ज़मींदार जो छोड़ रखे थे अंग्रेज़ों ने वो उनको कुछ रखने ही नहीं देते थे, ठीक है। तो आगे है आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, कि जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है कि हमारी कंट्री जो है वो इंडस्ट्री में कैसे पीछे रह गई। इंडस्ट्री में हमारी कंट्री पीछे थी आज़ादी के टाइम, हमारी कंट्री में कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमारी कंट्री में किसी मशीन को बनाया नहीं जाता था। इंडस्ट्री का मीनिंग होता है हैवी प्रोडक्शन वाली जो फैक्ट्रीज होती है ना उसको इंडस्ट्रीज बोला जाता है, जिसमें बहुत लोग काम करते हैं। तो आगे देखो, हेयर फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑफ अंडरलाइंड सिग्निफिकेंसेस के कुछ ये हैं मौजूदा हैं। देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। कंट्री में जो है ना बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा कमी थी, हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, बिल्कुल ना के मात्र थी, अगर थी भी ना तो वो अंग्रेजों के हाथ में थी। प्रोडक्शन मशीन तो हमारे पास कंट्री में कुछ थी ही नहीं, हमें जो मशीनें थी वो बाहरले देश से मंगवानी पड़ती थी, वो भी अंग्रेज सरकार मंगवाती थी, हम तो हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। और जो हमारे लोग काम करते थे ना वो भी छोटी मोटी जो है इंडस्ट्रीज घर पे लगा लिया करते थे, स्मॉल स्केल यानी कि छोटे लेवल का काम जो है हुआ करता था कंट्री में। फॉर द बल्क ऑफ द कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, अगर हमें बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती तो हमें देखो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता, ठीक है। तो बेटा मैंने आज आपको फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ओनली 4 पॉइंट्स करवाए हैं, बाकी के 4 मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे।